हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वी एनर्जेटिक। सो टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। टॉपिक नेम है रिलेटिव वेलोसिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट वी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, then the velocities of one object A with respect to another object B is called relative velocity of one object with respect to another object B. Suppose कीजिए कि कोई दो object हैं A and B जो different velocities से move कर रहे हैं, in a parallel line, इन ए डिफरेंट लाइन, डिफरेंट डायरेक्शन। उस समय किसी एक बॉडी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी अर्थ है जो टू टाइप से मूव कर रही है, सेल्फ एक्सिस भी रोटेट कर रही है और अराउंड द सन भी मूव करती है, लेकिन हमें कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हमारी अर्थ मूव कर रही है। उसका रीजन है कि रिलेटिव वेलोसिटी यहां जीरो है, यानी जब अर्थ रोटेट करती है, चाहे वो सेल्फ एक्सिस हो और अराउंड टू सन हो, तो उस समय हमारी जो वेलोसिटी है और हमारे सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी दोनों की वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगी। तो उस समय जो हमारी चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन है वो जीरो होगी। रिलेटिव पोजीशन, सपोज एक बॉडी हम हैं और सेकेंड बॉडी अर्थ पर प्रेजेंट हमारे सराउंडिंग कोई दूसरी बॉडी है, तो उनकी जो पोजीशन है उसमें चेंज जीरो है, और जब चेंज जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। केस नंबर 1, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू ईच अदर, इन द सेम डायरेक्शन, केस फर्स्ट। सपोज कीजिए टू ऑब्जेक्ट हैं जो मूव कर रहे हैं इन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर। दो हमारे कोई ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव कर रहे हैं। सपोज इनकी वेलोसिटी फर्स्ट की वी ए और सेकेंड की वेलोसिटी वी वी है, देन रिलेटिव वेलोसिटी वी ए और वी वी दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट वी, यानी वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए वी बी ए इज इक्वल टू बी बी माइनस बी ए, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी उस कंडीशन में जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स आर मूव इन ए स्टेट
line parallel to each other, parallel to each other in opposite direction, opposite direction. मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ए की वेलोसिटी वी ए और बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी बी बी, और वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है. देन रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर सेकेंड ऑब्जेक्ट वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस बी बी. यानी जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे उस समय रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी का सम होगा. केस थर्ड, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूव एट एंगल थीटा देन रिलेटिव वेलोसिटी. सपोज कीजिए सेकेंड ऑब्जेक्ट बी जिसकी वेलोसिटी बी वी है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए जिसकी वेलोसिटी वी ए है, जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर मूव कर रहे हैं, उस समय हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. सो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए वी इज इक्वल टू रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर प्लस टू वी ए वी वी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा. यहां पर जो VV वेलोसिटी है उसका अपोजिट माइनस VV से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मिडिल का जो एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा. हियर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. सो रिलेटिव वेलोसिटी VAV इज इक्वल टू रूट वी ए स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी वी कॉस थीटा. ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई. अब सपोज कीजिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी ए बी वो बीटा एंगल बनाता है विद रेस्पेक्ट टू वी ए. इफ वी ए बी मेक मेक एन एंगल बीटा विद द सेकेंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी बी ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वी ए. So tan beta is equals to BB sin 180 degree minus theta divided by VA plus VV cos 180 degree minus theta. So tan beta is equals to VV sin 180 degree minus theta is equals to sin theta. So VV sin theta divided by VA plus minus VV cos theta. Here cos 180 degree minus theta is equals to minus cos theta. So angle beta is equals to tan inverse VV sin theta divided by VA माइनस वी वी कॉस थीटा. सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी. क्वेश्चन नंबर वन, दिल्ली इज एट डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला. इट सेट्स आउट फ्रॉम अंबाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड बी सेट्स आउट एट द सेम टाइम from Delhi at a speed of 220 km per hour. Why they will meet each other? यहां question में बता रहे हैं कि Delhi to Ambala 200 km की distance है.
एक सेट अंबाला से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है. सपोज वी ए इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. सेम टाइम पर दिल्ली से सेकेंड सेट वी डी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है. तो यहां इतने टाइम इंटरवल के बाद दोनों सेट्स एक दूसरे को मीट करेंगे. तो अब यहां पर क्या है कि दो सेट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में और स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं. तो सॉल्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी डी. सो इक्वल टू 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर. सो टाइम टेकन टी इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी. तो टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर. तो यहां पर किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कैंसिल जीरो, यानी टी इज इक्वल टू 4 आवर. यानी 4 घंटे के बाद दोनों जो है वो एक दूसरे को मीट कर जाएंगे. अब सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटीज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर. इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस टू ईच अदर. यहां पर ऐसे कह रहे हैं कि दो ट्रेन्स हैं और उनकी जो लेंथ है वो 121 मीटर और दूसरे की जो लेंथ है वो 99 मीटर है. अब दोनों जो ट्रेन है वो मूव कर रही हैं. फर्स्ट की जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और इसकी सपोज पहले की 40 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड की है 32 किलोमीटर पर आवर. अब ये कितने टाइम इंटर के बाद दोनों को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगी. तो सॉल्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 40 प्लस 32 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. अब हमारी जो लेंथ है वो मीटर में है तो हमें ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. 72 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 20 कैंसिल, 36 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी आई. टोटल कवर लेंथ बाई टू ट्रेंस इज इक्वल टू 121 प्लस 99 इज इक्वल टू, यहां पर 9 और 1 10 0 1 10 2 12 1 यानी 220 मीटर. अब ये दोनों ट्रेन को 220 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है और वो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. सो टोटल कवर टाइम फॉर कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर. सो टोटल कवर टाइम
cover time for completely cross each other. T is equals to distance upon relative velocity. So time t is equals to distance 220 meter or upon velocity 20 meter per second. तो यहां पर आया 11 second. यानी ये दोनों trains 11 second में एक दूसरे को completely cross कर जाएंगी. Next question 3. A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the थ्रिप्स कार? यहां पर ऐसे बता रहे हैं कि एक पुलिस वैन है जो स्टेट हाईवे पर 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है. वहां से एक बुलेट फायर करते हैं थ्रिप्स कार पर और वो सेम डायरेक्शन में बुलेट मूव करती है. अब जो हमारी जो है क्या नाम है बुलेट की स्पीड है वो 192 किलोमीटर पर आवर है. अब मजल स्पीड ऑफ द बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड. तो हमें कैलकुलेट करना है कि पुलिस वैन से जो फायर की गई बुलेट है वो किस स्पीड से थ्रिप्स कार पर जो है टकराएगी. तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखते हैं मजल स्पीड इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड. अब हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 150 मीटर से किलोमीटर तो 1000 का डिवाइडेशन. अब सेकेंड से आवर तो 60 into 60. तो अब यहां पर 30 ये कट हो जाएंगे तो यहां पर 15 into 36 is equals to 15 6 जा 90 09 15 3 जा 45 और 9 54 किलोमीटर पर आवर. यानी हमारी जो मजल स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर आवर. अब बुलेट जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से पुलिस वैन जा रही है तो पुलिस वैन इस स्पीड से जा रही है और हमारी जो मजल स्पीड है वो अपोजिट है. तो पुलिस की गाड़ी की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है और मजल स्पीड है वो 540 किलोमीटर पर आवर है. तो यहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है सो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी 540 + 30. इसका मतलब 570 किलोमीटर पर आवर. अब ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है. अब इस वेलोसिटी से हमारी जो बुलेट है वो स्पीड मूव करेगी. अब जो चोर की गाड़ी है जो थ्रिप्स कार है उसकी वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब थ्रिप्स की जो वैन है उसकी वेलोसिटी है 192 किलोमीटर पर आवर और सेम डायरेक्शन में बुलेट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 570 किलोमीटर पर आवर. तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से वो बुलेट थ्रिप्स की कार पर स्ट्राइक करेगी. तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर आएगी 570 - 192. रीजन ये है कि सेम डायरेक्शन है तो यहां पर 10 में से 8, 6, 16 यानी 7 और यहां पर हमारी 4, 1, 3, 3, 7, 8 किलोमीटर पर आवर. यानी इतनी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से वो बुलेट थ्रिप्स कार पर स्ट्राइक करेगी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, द गैसेस आर इजेक्टिंग फ्रॉम द जेट प्लेन विद ए वेलोसिटी 1500 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू द जेट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ऑफ द ग्राउंड। एक जेट प्लेन है, सपोज ये जेट प्लेन है जिसकी वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां से जो गैसेस निकलेंगी, तो हमने यहां पर जेट प्लेन की वेलोसिटी कंसीडर कर ली, वो सॉरी गिवन है 500 किलोमीटर पर आवर, और जो यहां पर कह रहे हैं द गैसेस आर इजेक्टिंग फ्रॉम द जेट प्लेन, तो Vp माइनस Va इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड आउट करना है जो पर्सन अर्थ पर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है वो गैसेस की वेलोसिटी क्या फील करेगा। सो Vp इज इक्वल टू Va प्लस 1500। तो Va इज इक्वल टू, ये माइनस में है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, Va इज इक्वल टू 500 और माइनस 1500। तो टोटल हमारी जो गैसेस की वेलोसिटी है वो माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी जो पर्सन ग्राउंड पर खड़ा हुआ है वो गैसेस की वेलोसिटी माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर फील करेगा, या नेगेटिव साइन शो करता है कि गैसेस की जो डायरेक्शन है वो प्लेन की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। थैंक्स।